हम रोज के खाने में अलग अलग फूड आइटम्स इंक्लूड करते हैं, पर क्या आप जानते हैं हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में एक ही साथ सब डाइजेस्ट नहीं होता है। काफी बार हमने अपसेट स्टमक, बोवेल सिंड्रोम जैसी तकलीफ होती है, यानी पेट में खाना पूरी तरह डाइजेस्ट ना होने के कारण ये तकलीफ होती है। जब आप डिफरेंट टाइमिंग्स पे डाइजेस्ट होने वाले फूड साथ में खाते हैं तब स्टमक प्रॉब्लम होती है। फास्ट डाइजेस्टिंग फूड पेट में जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जिस कारण जल्दी भूख लगती है और इससे वेट गेन भी होता है, जहाँ की स्लो डाइजेस्टिंग फूड स्टेडी रेट पे डाइजेस्ट होके बॉडी को कॉन्स्टेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं। लेकिन ज्यादा स्लो डाइजेस्टिंग फूड खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरवर्क होगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सा फूड स्लो या फास्ट डाइजेस्टिंग है, वो कैसे पता चलेगा? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा फूड स्लो और फास्ट डाइजेस्टिंग वाला फूड है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ही भोजन में स्लो और फास्ट डाइजेस्टिंग फूड्स खाना अवॉइड करें। फास्ट डाइजेस्टिंग होने वाला खाना पहले खाएं, जैसे कि फ्रूट्स, उसके बाद आप स्लोअर डाइजेस्टिंग फूड खा सकते हैं। अगर आपने स्लो डाइजेस्टिंग फूड के बाद फ्रूट्स खाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब आपके पेट में ऑलरेडी खाना डाइजेस्ट होना बाकी है, उस पे आप कुछ और खाते हैं तो उससे डिस्कम्फर्ट, स्टमक ओवरलोडिंग फील होता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट और डिनर में जल्दी डाइजेस्ट होने वाले फूड खाइए, ताकि सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपके बॉडी पे डाइजेशन का स्ट्रेस ना रहे। लंच के टाइम पे आप डिफरेंट डाइजेस्टिंग फूड्स खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी कोई ना कोई काम में प्रोडक्टिव रहती है। अब देखते हैं कौन से फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। जूस एंड सूप। जूस एंड सूप में कोई फाइबर नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में होने के कारण 15 से 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रेश जूसेस विटामिन और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन जूस में ज्यादा शुगर अवॉइड करें। फ्रूट। हमने कई अलग वैरायटी के फ्रूट्स मिलते हैं, इन फ्रूट्स का डाइजेस्ट होने का टाइम भी अलग है। आपने वाटरमेलन खाया तो 20 मिनट में डाइजेस्ट होता है, उसके सिवा एप्पल, प्लम, चेरी, पेयर जैसे फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में 30 मिनट लगते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज अवॉइड करने के लिए एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाए। वेजिटेबल्स। जितने अलग वेजिटेबल्स मिलते हैं उनका डाइजेस्ट होने का अलग टाइमिंग्स है, जैसे हाई वाटर सैलड वेजिटेबल्स सिर्फ 30 मिनट में डाइजेस्ट होते हैं, और लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर कुक करके खाने के बाद 40 मिनट में डाइजेस्ट होते हैं। स्टार्ची और रूट वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, बीटरूट, कैरेट को डाइजेस्ट होने में कम से कम एक घंटा लगता है। ग्रेन। आप फ्रूट्स, सूप्स या वेजिटेबल्स खाएं, वो कोई भी ग्रेन से जल्दी डाइजेस्ट होता है। इन सारे फूड से पल्सेस और ग्रेन्स डाइजेस्ट होने में हैवी होते हैं, जिस कारण ब्लैक बीन्स, लेंटिल्स और सोयाबीन्स जैसे पल्सेस को डाइजेस्ट होने में 120 मिनट लगते हैं। अगर आप फूड डाइजेशन टाइम को ध्यान में रख के खाएंगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसीलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद फास्ट डाइजेस्टिंग फूड खाए। मिक्स डाइजेस्टिंग फूड लंच के टाइम में खाना अच्छा है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।